हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। मैं सुमित भारती आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ गाइज विंजो वर्ल्ड वॉर में। गाइज 100 रुपीज़ का गेम में आप लोगों को कैसे खेलना चाहिए सही तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। गाइज 100% एकदम रिस्क ट्रिक है गाइज, और एक रिस्क गेम प्ले करके आप लोग कंटिन्यूअसली विन करने वाले इस ट्रिक से। तो आप लोग को करना है वीडियो को फुल वॉच, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना है। और मेरे सारे वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी आप लोग को गिवे मिलने वाला है, जो कि रहने वाला है पूरा 300 रुपीज़ का, जो कि आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि गिवे कैसे मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देख सकते हो मैंने एक गेम में एंटर किया है, जहां पर गाइस मैं अभी के टाइम में कोहली को सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि कोहली यहां पर सेव गार्ड है गाइस। और कोहली यहां पर जैसे कि सेव गार्ड है, पहले आप लोग को रिक्स और सेव समझना होगा, उसके बाद आप लोग को गाइस कार्ड्स के गाइस टोटल पेयर्स को समझना होगा, उसके बाद आप लोग को डिफरेंस को समझना है। पर उससे पहले गाइस आप लोग अगर वीडियो पर नए हो गाइस तो आप लोग सबसे पहले एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, क्योंकि जो जो भी कमेंट करते हैं वो सारे गिवे विनर बनते हैं गाइस। तो जल्दी से आप लोग एक कमेंट कर दो। देख सकते हो मेरे यहां पर 102 रुपए का विनिंग हो चुका है, जो कि सेव गेम प्ले करने पर आप लोगों को भी पता है कि बहुत कम पैसा मिलता है। और मेरा यहाँ पर टोटल पर भी इतना ज्यादा है कि पैसा का उम्मीद मैंने रखा भी नहीं था गाइस। देख सकते हो यहाँ पर 102 रुपये मिला है। और मेरे टोटल पेयर की बात करें तो एक साइड में 25 का टोटल पेयर है, एक साइड में गाइज 174 का टोटल पेयर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस में है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पर गाइज कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेगा, और मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसे जगह पर कभी भी आप लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर आप लोग को रिस्क लेना कहाँ चाहिए, कहाँ पर आप लोग क्या देख कर रिस्क लोगे, ये फुल डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग को करना है वीडियो को फुल वॉच। और देख सो तो मेरे सामने यहाँ पर गाइज अभी के टाइम 100 रुपीज़ का फ्रूट समुराई का गेम है, जो कि गाइज फ्रूट समुराई का गेम काफ़ी बेस्ट माना जाता है बाकी सारे गेमों से। तो ये गेम जब भी आता है गाइज मैं ये गेम जरूर खेलता हूँ। तो अगर आप लोग को कोई भी गेम अच्छा लगता है, फिर कोई भी गेम में आप लोग ज्यादातर विन करते हो उसी गेम को खेलना है। ज्वाइनिंग टाइम गाइज आप लोग इतना टाइम पर एंटर करो कि फटाक से एंटर करके गाइज आप लोग कार्ड को, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं कोहली को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोहली का जो टोटल पेयर है गाइज वो धोनी से मतलब गाइज 10 टोटल पेयर के डिफरेंस में है। और साथ ही साथ गाइज अगर 10 टोटल पेयर का डिफरेंस कहीं पर भी रहता है, और टोटल पेयर अगर कम है और 10 टोटल पेयर का डिफरेंस है, तो वहां पर आप लोग रिस्क ले सकते हो गाइज, क्योंकि उस जगह पर गाइज डिफरेंस भी कम है, टोटल पेयर भी कम है, वहां पर गाइज फटाक से रिस्क कार्ड विन कर जाता है। और मैं बता रहा हूँ गाइज कि ज्वाइनिंग टाइम आप लोग उसी टाइम पर रखना है जब आप लोग गेम में एंटर किए, और 2-3 सेकंड में आप लोगों को कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि 2 से 3 सेकंड में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाए। मतलब आप लोगों को गाइज कम से कम गाइज आप लोगों को एंटर करना है 10 से 12 सेकंड में, तब तक आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा कम समझ में आता है गाइज तो आप लोग थोड़ा पहले भी आप लोग एंटर कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो 216 रुपये का हम लोग का विनिंग हो चुका है, रिस्क गेम प्ले करके मैंने यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया आप लोगों के सामने। अभी कोहली का टोटल पेयर है गाइस 52 का, और धोनी का टोटल पेयर है 73 का। यहाँ पर जो टोटल पेयर के बीच का डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा है गाइस, क्योंकि टोटल पेयर के हिसाब से डिफरेंस ठीक ठाक है। अगर गाइज यही टोटल पेयर का डिफरेंस गाइज अगर मेरा जब मैंने एंटर किया था वो गाइज वहाँ पर रहता, तो मैं यहाँ पर रिक्स कार्ड को सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि गाइज रिक्स कार्ड और सेव कार्ड तो वो है ही गाइज। पर आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि टोटल पेयर के हिसाब से अगर डिफरेंस नहीं रहता है तो आप लोग गेम को अच्छे से विन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर मैंने फिर से एक बार एंटर कर लिया गेम में, यहाँ पर एक साइड में 38 का टोटल पर है, एक साइड में गाइस 47 का। तो मैंने यहाँ पर गाइस अभी के टाइम में देख सकते हो तो रिक्स कार्ड को कर लिया सिलेक्ट, जो मतलब जो वहाँ पर तो रिक्स कार्ड था ही था, उसके बाद साथ ही साथ वो वाला कार्ड विन भी कर रहा था, तो मैंने उसी कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हो 215 रुपये का हम लोग का विनिंग हो चुका है, और अच्छे से हम लोगों ने खेल कर गाइस ये वाला गेम भी विन कर लिया। तो कुछ ट्रिक्स मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ जिससे कि आप लोग का कंटिन्यूअसली हर एक गेम विन कर सकते हो। सबसे पहला बात आता है गाइस कि अगर गाइस टोटल पेयर का डिफरेंस काफ़ी कम है तब आप लोग वहाँ पर रिक्स ले सकते हो, और अगर थोड़ा ज़्यादा टोटल पेयर का डिफरेंस है तो अगर वहां पर गाइस रिक्स कार्ड नहीं विन कर रहा है तो वहां पर आप लोग को रिक्स कार्ड को सिलेक्ट भी नहीं करना है। अगर रिक्स कार्ड विन कर रहा है तो बार बार तो नहीं, पर एक दो बार आप लोग वहां पर रिक्स ले सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर एक गेम में आप लोग को एंटर करके दिखा देता हूं। देख सो तो मैं यहां पर गाइस एक गेम में एंटर कर चुका हूं, जिसमें गाइस यहां पर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहां पर कोहली को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि कोहली यहां पर सेव कार्ड है। और जब भी बहुत ज्यादा का टोटल पर डिफरेंस आता है तो वहां पर गाइस आप लोग को कोहली को सिलेक्ट करना, जो कि मैंने भी यहां पर किया है। सॉरी कोहली नहीं गए, सेव कार्ड को सिलेक्ट करना, जो भी सेव कार्ड है धोनी या फिर कोहली, वहाँ पर गेम मायने या फिर कोई भी कार्ड मायने नहीं रखता, वहाँ पर सिर्फ सेव कार्ड देखना है, वहाँ पर फटाक से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। और ज़्यादातर चांस रहता है सेव कार्ड के विन करने का, तो आप लोग को रिस्क भी लेना है, पर आप लोग को जब देखें कि टोटल पेयर का डिफरेंस काफ़ी कम है तभी आप लोग को रिस्क लेना है। और कौन सा ऐसा गलती है जो कि आप लोग कर देते हो तो आप लोग का गेम गाइज लॉस हो जाता है। जैसे कि गाइज अगर टोटल पेयर गाइज का डिफरेंस एकदम कम है, मतलब ना के बराबर टोटल पेयर का डिफरेंस है, तब आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि गाइज अगर थोड़ा ज़्यादा का टोटल पेयर का डिफरेंस आता है तो तब तो आप लोग रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, और एकदम कम डिफरेंस पर भी रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, उस टाइम भी गाइस गेम विन हो जाएगा। पर एकदम कम मतलब एकदम ना के बराबर टोटल पेयर का डिफरेंस है, तब आप लोग वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर दिखा दूं आप लोगों को, यहां पर एक साइड में 40 का टोटल पेयर है, और एक साइड में गाइस यहां पर देख सो तो टोटल पेयर का डिफरेंस कितना है। यहां पर अभी के टाइम में तो मैंने सेव कार्ड को सिलेक्ट किया, जैसे कि यहां पर काफी सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने पर यहां पर गाइस रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर तो रिस्क कार्ड लॉस हो गया। देख सो तो यहां पर सेव कार्ड जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहां पर विन कर गया, तो यहां पर तो टोटल पेयर का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था और यहां पर रिस्क कार्ड विन कर रहा था। पर मैंने गाइस पहले ही बता दिया कि अगर टोटल पेयर के हिसाब से डिफरेंस नहीं रहता है तो वहां पर आप लोगों को सेव कार्ड को सिलेक्ट करना है, जो कि यहां पर भी था गाइस,
यहाँ पर गाइज एक साइड में 40 से भी ज्यादा का टोटल पेयर था और एक साइड में गाइज 12 का टोटल पेयर था। तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस गाइज प्रॉपर 30 टोटल पेयर का आ रहा था, जो कि यहाँ पर गाइज डिफरेंस टोटल पेयर के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर गाइज यही अगर गाइज 30 टोटल पेयर का डिफरेंस अगर 40-50 से ज्यादा में रहता तो गाइज वहाँ पर आप लोग रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करते तो वहाँ पर गेम विन हो जाता। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गलती आप लोग क्या कर देते हो। देख सो 100 रुपीज का फ्रूट समुराई का गेम है, यहाँ पर मैं गाइज एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर देख सो एक साइड में गाइज ऐसे सिचुएशन में जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि गाइज की जब गाइज आप लोग का टोटल का डिफरेंस ना के बराबर एक साइड में 46 का एक साइड में 47 का, तब आप लोगों को जो कार्ड विन कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर देख सो तो गाइज यहाँ पर मैंने जो कार्ड विन कर रहा था वो कार्ड को नहीं सिलेक्ट किया तो मेरा यहाँ पर गेम लॉस हो गया। ये गलती आप लोग कर दे तो ये गलती जैसे कि मैंने किया जो कि मैंने आप लोग को दिखाने के लिए किया, क्योंकि ऐसा आप लोग गाइज नहीं करो क्योंकि गाइज ऐसा करने से आप लोग का गेम लॉस हो जाता है। जो कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने देखा टोटल प्लस का डिफरेंस कम है, मैंने रिस्क कार्ड को सिलेक्ट किया। ऐसे टाइम पर गाइज रिस्क कार्ड या फिर सेव कार्ड मायने नहीं रखता जो कार्ड विन कर रहा है। जैसे कि देख सो तो यहाँ पर गाइज मैंने अभी के टाइम में धोनी को सिलेक्ट क्या, धोनी का जो टोटल पेयर है वो टोटल पेयर के हिसाब से डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा गेम लॉस हो गया है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बोला है ऐसे करके आप लोगों को अगर खेलोगे तो आप लोगों का कंटिन्यूसली हर एक गेम विन हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दो और जल्दी से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों को डेली गिवे कब मिलता है गाइज और कैसे आप लोग गिवे विनर बन सकते हो, कब वीडियो आ रहा है, कब गिवे विनर अनाउंस हो रहा है, कब गिवे मिल रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है टेलीग्राम पर। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और एक कमेंट करो क्योंकि जो जो भी कमेंट करते हैं वो सारे गिवे विनर जब अनाउंस होता है वो सारे कमेंट सेलेक्ट होते हैं गाइज। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।